वेलकम टू डीजी फॉरटेक। प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। आईफोन 11 पे आपको फास्ट चार्जिंग बंडल अप किया जा सकता है, और वो भी जो चार्जर रहेगा वो टाइप सी कनेक्टिविटी के साथ आएगा। 2019 वाला आईफोन अब देख ही लेते हैं। आईफोन 11 तो लॉन्च होने ही वाला है 10 सितंबर 2019 को, कि ये लीक सही साबित होता है या नहीं। Amazon ने अपना वर्ल्ड का लार्जेस्ट कैंपस है ना लॉन्च कर दिया है, या बोला जाए ओपन कर दिया है। और आपको मैं बता दूं, ये बहुत अच्छी और हमारे इंडिया के लिए खुशखबरी की बात है कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कैंपस जो है Amazon का, वो है हैदराबाद में। इंटेल का 10th जनरेशन का सीपीओ 14 नैनोमीटर बेस्ड कॉमेट लैक वाला कोर i7 i5 i3 सीपीओ अनाउंस कर दिया गया है। ये एग्जिस्टेंस करेगा 10 नैनोमीटर के आई सिलेक्ट के अकॉर्डिंग। टेक्सास गवर्नमेंट का लोकल जो सर्वर है उसे हैक किया गया है, रैंसमवेयर अटैक हो चुका है उस पे। अब देखता है कि ये टेक्सास गवर्नमेंट इससे कैसे डील करती है। माइक्रोसॉफ्ट का फाइनली क्रोमियम बेस्ड वाला एज ब्राउजर बीटा वेरिएंट के लिए लॉन्च हो गया है, कमर्शियल रोल आउट हो गया है। आप इसे यूज कर सकते हैं विंडोज 7 से लेके अबव सभी ऑपरेटिंग सिस्टम पे, विंडोज 7, विंडोज 8, 8.1 और 10 पे तो ये आता ही है। इसके अलावा आप मैक ओएस पे भी इसे यूज कर सकते हैं, और इसका जल्द ही एंड्रॉयड और आईओएस के लिए भी इसका वेरिएंट लॉन्च हो जाएगा, क्रोमियम बेस्ड वाला। दी विचर 3 जो गेम है, ये काफी फेमस गेम है और बोला जाए तो मेरा फेवरेट गेम भी है। इसका फाइनली थर्ड वेरिएंट अब 15 अक्टूबर 2019 को लॉन्च होने वाला है, कमर्शियल रोल आउट के लिए। आप इसे प्री ऑर्डर भी कर सकते हैं। मोटरोला का रेजर ब्रांड का फोल्डेबल स्मार्टफोन को स्पॉट किया गया है, या बोला जाए रूमरली स्पॉट किया गया है, और ये लॉन्च हो सकता है यूरोपियन मार्केट पे दिसंबर 2019 पे। गूगल का जी स्यूट जो एप स्यूट है उस पे अब आपको स्पेलिंग, ग्रामर करेक्शन, इस टाइप के अपडेट्स आपको मिलने लग गए हैं जीमेल के थ्रू। ग्रामरली कीबोर्ड नाम का जो कीबोर्ड है उसमें आपको डेटा सिंक्रोनाइज के अलावा एंड्रॉयड और आईओएस के लिए ग्रामर के वर्ड को सिंक्रोनाइज करने का भी फीचर अपडेट आ चुका है। इसका वर्जन है 1.6.3.4 पे। चंद्रयान 2 ने फाइनली सक्सेसफुल सेकेंड लूनर ऑर्बिट पे एंटर कर लिया है चांद के। एप्पल टीवी प्लस पे आपको सपोर्ट मिल जाएगा ऑफलाइन व्यूविंग का, लेकिन इसमें रिस्ट्रिक्शन रहेगा मल्टी डिवाइस स्ट्रीमिंग का। अब जाहिर सी बात है, एप्पल अगर कुछ सर्विस ला रहा है और उसमें रिस्ट्रिक्शन ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल लाइफ जो है वो फाउंड किया गया है, नासा ने ऐसा बोला है कि जो जुपिटर का आइस मून वाला जो लोकेशन है उसमें एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल लाइफ को फाउंड किया गया है, हमारे ही सोलर सिस्टम के जुपिटर प्लेनेट पे। और इसके लिए नासा अपना नया प्रोजेक्ट जो लॉन्च करने वाला है वो है 2023 में यूरो इक्लिप्स नाम से अपना नासा जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी से लॉन्च करेगा इसे। ओप्पो रेनो 2 को स्पॉट किया गया है टेना पे, और इस स्पॉट से ये पता चलता है कि इसमें क्वाड रियर कैमरा सेटअप है और पॉपअप वाला सेल्फी कैमरा है। स्नैपड्रैगन 730G वाला प्रोसेसर है, यानी कि गेमिंग वाला। 4000 mAh की बैटरी है। वुक चार्जिंग मिलेगा आपको 3.0 वाला। 6.5 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा 20:9 रेशियो सपोर्ट के साथ, और ये लॉन्च हो सकता है 28 अगस्त को इंडियन मार्केट के लिए। इसमें आपको 8 GB 256 GB वाला भी वेरिएंट मिलेगा। आज फाइनली Xiaomi का Mi A3 इंडियन मार्केट पे लॉन्च हो चुका है। अगर आपको नहीं मालूम तो मैं बता दूं, Mi A3 यानी कि जो A सीरीज है ये प्योरली स्टॉक एंड्रॉयड सीरीज होता है MI की तरफ से। इस फोन पे का हाइलाइटिंग फैक्टर होता है सॉफ्टवेयर और कैमरा। बाकी अगर आप नॉर्मल कंपेयर करें तो इसमें रेडमी के नोट सीरीज से थोड़े से लेस हार्डवेयर होते हैं, और बाकी सॉफ्टवेयर और कैमरा सबसे बेस्ट इन क्लास होता है। अब बात करते हैं इसमें क्या लॉन्च किया गया है। इसमें सबसे पहली बात, 2 वेरिएंट है। 4GB 64 वाला आपको 13,000 रुपये में मिलेगा, 6GB 128 GB वाला आपको 16,000 रुपये में मिलेगा।
इसमें 6 इंचेस का HD प्लस वाला डिस्प्ले दिया गया है। स्नैपड्रैगन 665 SoC है, ऑक्टा कोर, 12 4G 12 वोल्टी सपोर्ट के साथ, और इसमें 4000 mAh की बैटरी 18 वॉट फास्ट चार्जिंग के साथ। लेकिन 18 वॉट का फास्ट चार्जर आपको नहीं मिलेगा, 10 वॉट का चार्जर दिया जाएगा। एंड्रॉयड 9 पाई एंड्रॉयड 1 प्रोग्राम के अंतर्गत आपको इसमें लॉन्च किया गया है, यानी कि 2 एंड्रॉयड अपडेट मिलेंगे, जैसे कि एंड्रॉयड 10 एंड्रॉयड 11 आपको मिलेगा, और 3 साल का एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच इसमें मिलेगा। एमआई ने यह भी बताया है कि 90 मिनट में 4000 mAh बैटरी को फुल चार्ज किया जा सकता है 18 वॉट चार्जिंग के साथ। अब बात करते हैं इसमें कैमरा। इसमें आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलेगा, और बैक पे आपको 48 मेगापिक्सल का सोनी का IMX586 सेंसर वाला फ्लेक्सिप ग्रेड वाला कैमरा मिलेगा। सेकंड कैमरा है अल्ट्रा वाइड, जो कि है 8 मेगापिक्सल का, जिसकी अल्ट्रा वाइड कैपेसिटी है 119 डिग्री तक। उसके बाद तीसरा कैमरा है जो कि गिमिक है, वो है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग के लिए। अब बात करते हैं इसमें आपको P2i वाला कोटिंग भी मिलेगा, यानी कि सेमी स्प्लैश रेजिस्टेंस है, यानी कि हल्के फुल्के बारिश के छींटे से इस फोन को कुछ नहीं होगा। और मोस्टली जो लोग मुझसे पूछते हैं, इसमें 3.5 mm जैक का सपोर्ट दिया गया है। और हाँ, MI अभी भी रियलमी के जैसे डेडिकेटेड स्लॉट नहीं दिया है, इसमें आपको प्रॉपर मेमोरी कार्ड का स्लॉट नहीं है, हाइब्रिड सिम स्लॉट ट्रे दिया गया है, और इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी है, फेस पासवर्ड भी है, और ये आपको मिलेगा 27 अगस्त से, इसका फर्स्ट सेल चालू हो जाएगा, सॉरी 23 अगस्त से। गूगल ने अपना गूगल सर्च का गूगल गो वाला लाइट ऐप लॉन्च कर दिया है, और इसे वर्ल्ड वाइड लॉन्च किया गया है, कंप्लीट एंड्रॉयड यूजर इसे यूज कर सकते हैं। लेकिन गूगल को मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप कितने भी लाइट वेट ऐप को यूज करें, लॉन्च करें, बट आप जो प्री इंस्टॉल बंडल अप करते हैं, उस ऐप को अगर आप रिमूव करने का फीचर नहीं देंगे, तो कोई भी कस्टमर डबल ऐप क्यों इंस्टॉल करके रखेगा। फॉर एग्जाम्पल, कस्टमर के फोन पे नॉर्मल गूगल सर्च ऐप हैवी वाला बड़ा सा, इसका तो ऑलरेडी इंस्टॉल है, जब वो अनइंस्टॉल ही नहीं होगा तो वो गूगल गो लाइट ऐप को क्यों इंस्टॉल करेगा, डबल ऐप क्यों रखेगा। उसी तरीके से अगर मेरे फोन पे यूट्यूब ऐप इंस्टॉल है, उसे मैं अनइंस्टॉल नहीं कर सकता हूँ YouTube Go Lite ऐप यूज करने के लिए, तो डबल डबल लॉन्चिंग का कोई मतलब नहीं है। सिंपल ये बोलना चाहिए गूगल को कि मैंने ये ऐप लॉन्च किया है सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉयड के गो सीरीज के लिए, या फिर जो अपने फोन को रूट करके कस्टम रोम चलाते हैं वो अपनी मर्जी से गूगल के लाइट ऐप यूज कर सकते हैं, तब ये चीज समझ में आएगा। गूगल का ने जबरदस्ती बंडल अप करके रखा है, गूगल का प्ले म्यूजिक, हैंग आउट, प्ले म्यूजिक के अलावा प्ले मूवी, हैंग आउट, ड्राइव, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जबरदस्ती गूगल का डाल के दिया गया है। और गूगल के क्रोम ब्राउजर भी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। गूगल को का सिर्फ 3 ही ऐप मैं यूज करता हूँ, पहला है मैप, दूसरा है यूट्यूब, और तीसरा है सर्च इंजन। इसके अलावा गूगल के प्री इंस्टॉल ऐप, सॉरी एक ऐप को तो मैं भूल गया, जीमेल। इसके अलावा गूगल के जितने भी प्री इंस्टॉल ऐप है मेरे कोई काम के नहीं है, वो एज इट इज स्पैम की तरह, जंक की तरह मेरे फोन पे वो पड़े रहते हैं, जिसका मैं कभी यूज नहीं करता हूँ। वन प्लस के नए लीक से ये पता चला है कि वन प्लस का जो टीवी है वो सितंबर 2019 में लॉन्च हो जाएगा, और सितंबर पे 26 सितंबर को लॉन्च होगा। और इसे कुछ सोर्सेस से लीक से पता चला है, सीईओ पीट लॉ ने ही इसे अनवील कर दिया है, इसका डेट को। अब देखना ये होगा कि वन प्लस किस क्वालिटी की डिस्प्ले देता है, ए प्लस ग्रेड का डिस्प्ले पैनल देता है, किस कनेक्टिविटी फीचर्स के साथ आता है, कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है, टीवी के लिए भी ऑक्सीजन ओएस ही रहता है कि कुछ चेंजेस करता है, हार्डवेयर रैम प्रोसेसर कॉम्बिनेशन क्या रहता है, एंड्रॉयड वर्सन क्या आता है, कितनी बड़े साइज पे वन प्लस अपनी टीवी को लॉन्च करता है, जैसे 55 इंच, 65 इंच, 70 इंच, 32 इंच, 43 इंच, 49 इंच, देखना पड़ेगा, और किस प्राइस वैल्यू के साथ लाता है। हाँ, लेकिन आप लोगों के लिए ये खुशखबरी है कि आपको इंडिया पे पहले इसका टीवी देखने को मिलेगा, उसके बाद ये टीवी सेल के लिए जाएगा नॉर्थ अमेरिका, चाइना, यूरोप एक्सेट्रा। रेडमी नोट 8 और नोट 8 प्रो को टीज किया गया है, और इस टीज से ये पता चलता है कि 29 अगस्त 2019 को ये चाइना में लॉन्च हो सकता है। इसमें क्वाड कैमरा सेटअप मिलेगा प्रो वेरिएंट पे। रेडमी के नोट 8 पे अभी तक गारंटी नहीं है कि उसमें भी क्वाड कैमरा है या ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है,
लेकिन हाँ रेडमी नोट 8 प्रो पे आपको क्वाड रियर कैमरा मिलेगा और उसमें प्राइमरी कैमरा आपका सैमसंग का G1W सेंसर वाला 64 मेगापिक्सल का कैमरा हो सकता है, और बाकी 3 कैमरा के कोई डिटेल्स अवेलेबल नहीं है कि कितने मेगापिक्सल के रहेंगे और उसमें क्या क्या फीचर्स रहेंगे, किस अपर्चर के साथ, किस फोकल लेंथ के साथ वो आएगा, इसकी अभी कोई आइडिया इन्फॉर्म नहीं किया गया है। और एक सेकेंड लीक ये है कि इसमें आपको लगभग 4500 mAh की बैटरी मिल सकती है। बस फिलहाल तो 2 ही लीक है, अब देखना ये होगा कि बाकी हार्डवेयर, रैम, प्रोसेसर, रैम मेमोरी, डिस्प्ले, एम्बलॉइड, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, आईपी रेटिंग वगैरह वगैरह, इसमें और क्या चीज़ फास्ट चार्जिंग 27 वॉट का या 18 वॉट का, क्या क्या फीचर एमआई दे पाता है, क्या ये MIUI 11 बीटा के साथ लॉन्च होता है या MIUI 10 के साथ ही लॉन्च होता है, वो सब देखना पड़ेगा। मैट्रिक्स 4 जो कि मैट्रिक्स सीरीज का चौथा वर्सन है, ये लॉन्च होने वाला है, यानी कि ये रिलीज होने वाला है ये मूवी, और इसकी डेट निकल के आई है अर्ली 2020 पे। ये मेरा काफी पसंद वाला मूवी रहा है, इसलिए मैंने इसे इस न्यूज में ऐड कर दिया, क्योंकि ये काफी लीप के बाद, यानी कि काफी टाइम ड्यूरेशन के बाद इसका फोर्थ वेरिएंट आ रहा है। एप्पल ने डेब्यूट किया है अपना क्रेडिट कार्ड सर्विस को, जिसे नाम दिया गया है टीवी, और लॉन्च भी किया गया है टीवी प्लस के साथ। और ये एक प्रकार का, जैसे कि मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो, जैसे कि टाटा स्काई डिश टीवी के सेट टॉप बॉक्स के पीछे में जो एक एटीएम कार्ड की जरा चिप वाला जो डीजी कार्ड लगता है, उसी तरीके का एप्पल का ये टीवी वाला क्रेडिट कार्ड है, यानी कि चिप है, इससे आप एप्पल की सर्विसेज का लाभ ले सकते हैं। फेसबुक ने एक टूल रोल आउट किया है जिससे आप ब्लॉक कर सकते हैं अपने फेसबुक के डेटा को, अब देखना ये होगा ये कमर्शियली कब तक के आता है, वो भी इंडियन मार्केट पे कब तक के आता है, और ये टूल कितने अच्छी तरीके से काम करता है, या फिर ये सिर्फ गिमिक है बोलने के लिए कि हाँ आप डेटा को ब्लॉक कर सकते हैं। रियलमी ने टीज कर दिया है कि वो एक नए फोन के सीरीज पे काम करना स्टार्ट कर चुके हैं, मोस्ट प्रोबेबली ये सीरीज हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग गेमिंग सीरीज, क्योंकि जिस हिसाब से आप देख सकते हैं ट्वीट पे और जो फोटोज लीक हुए हैं उसके से ये पता चलता है कि ये डेडिकेट हो सकता है गेमिंग मॉडल, जैसे कि सौमी का आता है ब्लैक स्टार सीरीज, नूबिया का आता है रेड मैजिक, उस तरीके से आसूस का आता है आरओजी फोन, इसी तरीके से रियलमी भी अपना एक गेमिंग सीरीज वाला स्मार्टफोन लॉन्च कर सकता है। आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अपने कुछ भी सुझाव, क्वेश्चन, सवाल, जवाब, और आप मेरे वीडियो में क्या नया देखना चाहते हैं। उसके अलावा मेरे वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब करके रखिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूँ आपको उसकी इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली मिल जाए। थैंक यू।